कोई बोलने वाला था नहीं तो पापा को जितनी थोड़ी बहुत आती थी घर पे चीज़ें होती थी गांव वाले घर में जो चीज़ें होती हैं हल्दी नमक चिमटा फूकनी ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं गांव में तो वो सभी मुझे इंग्लिश में बताने लगे वो पर इंग्लिश में वो फ्लुएंसी नहीं आई क्योंकि फ्लुएंसी आसपास किसी में थी नहीं तो उस इंग्लिश की फ्लुएंसी लाने के लिए मेरे को पापा रेड फोर्ट और इंडिया गेट लेके जाते थे संडे को हर संडे मैं और पापा हरियाणा से निकलते थे वी यूज़ टू कम टू डेली तो वहाँ पर वो फॉरनर्स होते थे तो मैं उनसे बात करती थी कि एक्सक्यूज मी मीखेना प्लीज़ हैव थर्टी सेकेंड्स ऑफ योर्स तो वो मुझसे बात करते थे तब उनका एक्सेंट सुनती थी मैं कि एक्सेंट

चाहिए इसमें भी मास्टरी चाहिए फिर उस मास्टरी के लिए आई यूज़ टू वॉच YouTube वीडियोज आई यूज़ टू रीड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एक्शन एंड दैट्स हाउ आई नो इन नाइन डिफरेंट एक्शन क्या बात है तो अब आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे इनसे रिलेटेड जो भी आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं जन मैम पहले क्वेश्चन आपसे कि आ, मतलब अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ नीट का तैयारी कर रहा हूँ तो इंग्लिश सीखने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब पढ़ाई छोड़ के अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान दू उतना तो उस पढ़ाई पे फिर मेरा वो चला जाता है मतलब तो कम आने लगता है मार्क्स वगैरह वगैरह तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि जैसे आगे अगर नीट अगर पास हुआ तो फिर एम बी बी एस की सीट में एंड वहाँ तो इंग्लिश काफ़ी सारा नेसेसरी है तो उस चीज़ को कैसे मतलब बिल्डअप करूँ कि मैं तो हाँ मुझे अब आ गया कि मैं अब जाके माँ वहाँ पर जाके ये नहीं होगा हेजिटेशन मुझे नहीं होगी बोलने के लिए इस चीज़ को मैं कैसे बिल्डअप करूँ uh, सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज सो प्लीज लेट्स ट्रीटिंग इट लाइक अ लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट लाइक अ सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर दिस दूसरी बात ये ये जो हेजीटेशन आती है ना आपके अंदर ये इसलिए आती है क्योंकि हमने इंग्लिश को एक बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं हम कि अरे इसको इंग्लिश आती है इंटेलिजेंट होगा तो हमें इसलिए लगता है कि वहाँ पर हेजिटेशन हुई तो नो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं आपने हिंदी को सीखने के लिए क्या किया अब यहां पर सारे बोलेंगे कि ये तो हमारे एनवायरनमेंट में था तो अब हमारे एनवायरनमेंट में इंग्लिश नहीं है पर हम अपने इनर एनवायरनमेंट में आप सोशल मीडिया चलाते हैं येस तो सोशल मीडिया पर हम काफ़ी सारे रील्स देखते हैं काफ़ी सारे पेजेस को फॉलो करते हैं सो स्टार्ट वॉचिंग ऑल ऑफ दोज इन इंग्लिश शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी समझने में कि ये क्या बोल के चला गया बट इफ़ यू गो एनकाउंटर दोज थिंगस अगे एंड अगेन हिंदी कैसे सीखी हमने हम उन चीज़ों को बार 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 सुनते रहे हमें वो चीज़ें पता लगने लगी कि किस सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं किस सिचुएशन में हम कैसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो so, इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है तो स्पीकिंग के लिए यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर सो जब आप बोल रहे हैं सोने से पहले गिव योर सेल्फ टेन मिनट्स और आप पूरे दिन का एक रिकैप लीजिए ओके आई वोक अप एट दिस टाइम देन आई डिड दिस आई टुक अ बाथ आई हैड माई ब्रेकफास्ट तो ये छोटी छोटी चीज़ें सो स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसिस फर्स्ट देन बिग पैराग्राफ्स तो एक हल्की सी हैबिट की जब भी आप कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे स्टार्ट वॉचिंग दैट इन इंग्लिश आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं रीड दैट इन इंग्लिश शुरू के फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज आपको लगेगा कि क्या हो गया फिर वो बार बार वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे आपके दिमाग में वो अपने आप बैठते जाएंगे सो यू डोंट हैव टू

हमें इस इतना करना चाहिए इतना नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है देखिए आप बिना लिमिटेशंस के करेंगे तो क्या पता आप क्या कर जाएं नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली बोथ लिमिटेशंस हैं कि आप इससे बाहर नहीं सोच सकते yes. सोचने की कोई दरिया नहीं होता कि ठीक है आपको सिर्फ यहाँ तक सोचना है बट हाँ आपको अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं इतना सोच रहा हूं तो मैं ये काम कर भी सकता हूँ मेरे पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरे पास उतनी नॉलेज है या फिर मैं उतनी नॉलेज बिल्ड कर सकती हूँ कि मैं जितना सोच रही हूँ ये काम मैं कर सकती हूँ या नहीं सो so, बॉक्स जैसा कुछ नहीं होता थिंक आउटसाइड द बॉक्स देर इज नो बॉक्स यू नो आपकी थॉट्स की कोई लिमिट नहीं है और आपकी जो जो आपका सक्सेस है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है बट वन थिंग हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है इतना बड़ा सोच लिया कर तो लेंगी हमारी पूरी जिंदगी उस सोचने में निकल जाती है वही मैं कहती हूं जो मैंने अभी आपको भी बताया था कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए हम अपने प्रेजेंट को एस्केप कर देते हैं तो आप सोचिए आप सोचने में इतना टाइम लगाएंगे ही नहीं जब आप अपने प्रेजेंट में काम कर रहे होंगे तो आप जितना काम करेंगे आपको फ्यूचर के बारे में में उतना ही कम सोचने को मिलेगा क्योंकि इतना वक्त होगा ही नहीं जब आप किसी चीज़ में अपने आप को इमर्स कर लेते हैं आपके पास वो समय नहीं होगा कि आप उस चीज़ के बारे में इतना सोचें तो देर इज़ नो बॉक्स आपके दिमाग में ये कभी आएगा बनी ओ देर इज़ अ बॉक्स नो देर इज़ नो बॉक्स यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क एंड यूर Everything's gonna be great. Everything's gonna be perfect. Thank you. देखना ध्यान से समझना ये जो लिमिटेशन है या ये जो बॉक्स है ये बॉक्स क्या है पहले तो इसको अच्छे से समझ लो जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है उसके बाहर आप चाहें भी तो नहीं सोच सकते बिकॉज थॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस आपके माइंड में फीडेड है या जो आपके घर वाले आपके आसपास वाले आपको बोल रहे हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता दोनों ही बातें कहां से आ रही है मेरे माइंड से आ रहा है माइंड में हो है। कहां से आ रहा है माइंड मतलब ब्रेन थॉट क्या होता है थॉट कैसे काम करता है थॉट वर्क्स ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तो जिस तरह का नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स को है आपके आसपास वालों को है और आपको है उसके बियॉन्ड आप चाहो भी तो नहीं सोच सकते कोई ऐसी कंट्री के बारे में आप सोच सकते हो जिसके बारे में ना आपने पढ़ा हो ना वहां पर गए हो सर आर माइंड ऑपरेट विद इन दी कंफाइंस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तो क्या करना चाहिए इसका मतलब क्या है कि हमेशा अपने दिमाग को खुला रखो बड़े क्लियरली बोलना है कि ये मुझे पता है या नहीं पता है तो जो हो सकता है और नहीं हो सकता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या आपको क्या पता है क्या नहीं पता है तो अगर मैं अपने पता है कि दायरे को बढ़ा लू तो जो हो सकता है उसका भी दायरा बढ़ जाएगा जैसे आज मेरे लिए जो पॉसिबिलिटीज है या जहां तक मेरा माइंड सोच सकता है क्या आपका सोच सकता है नहीं आप कह रहे हो नहीं क्यों वजह बताओ क्यों नॉलेज बट नॉलेज कौन सी नॉलेज बुक्स में जो नॉलेज होती है स्कूल कॉलेज में होती है वो नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज नंबर वन इज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नंबर टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड तो यू डोंट हैव एनी आइडिया कि मेरी थॉट प्रोसेस कहां पे अलाइंड है फॉर एग्जांपल आप अपने घर में जाकर के बोलते हो बड़ा सिंपल एग्जांपल है कि मैं एक बिजनेस करना चाहती हूं अपने बेस पे और मैं इसको दस बीस हजार रुपए से शुरू करूंगी और मैं महीने का दस करोड़